बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। स्वस्ते श्री सरस्वते नमः। स्वस्ते श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रयो विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थि साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोरी प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आइए दो मिनट सभी भाव से हरिनाम कीर्तन करते हुए चलेंगे और फिर आज की कथा में प्रवेश करें। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे
तुलसीदास जी भगवान की इस कथा को गा रहे हैं और ये कथा उस सुंदर मंगलमय अवसर पर पहुंची है। भगवान की कृपा से हम जिस कथा को गा रहे हैं, श्री हनुमंत लाल की कृपा से जिस कथा को श्रवण कर रहे हैं, प्रभु श्री राम के गले में मैया जानकी ने वरमाला डाली है और सब मिथिलावासी बड़े आनंदित हो रहे हैं। खूब फूल वृष्टि हो रही है, खूब सब आनंदित है। तीनों लोकों में यश फैल गया कि सीता जी को धनुष तोड़कर राम जी ने वरण कर लिया है। बड़ी खुशी हुई। सखियों ने फिर सीता जी को कहा है, सीता अब वरमाला तो हो गई, अब तुम चरण स्पर्श करिए। जैसे ही कहा चरण स्पर्श करो, उस क्षण सीता जी के मन में एक अलग प्रकार का भाव आया। सखी कहा ही प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। सीता जी ने जैसे सखियों के मुख से सुना चरण छुओ, भयभीत हो गई। क्यों? सीता जी को वो बात याद आ गई कि इनके बारे में सुना है, गौतम तिये गति सुरती करे नहीं पर सती। सीता जी सोच रही हैं इनके चरणों की रज से, इनके चरणों की रज से पत्थर की शिला अहिल्या बन गई। कहीं ऐसा ना हो मैं इनके पैर छूं तो यहाँ भी शरीर परिवर्तित हो जाए। प्रभु श्री राम ने देखा तो प्रभु मन ही मन मुस्कुराए हैं। गोस्वामी जी आगे लिख रहे हैं, तब सिय देखे भूप अभिलाषे उठ पहिरी सनाह अभागे जहां तहां काल बजावन लागे ले हूं छड़ाई सिए कहे को मंगल भवन सिय
सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय प्रेम से बोलिए जय श्री राम। एक एक चौपाई ऐसी है कि हृदय में बस जाती है, कोई झूमना भी नहीं चाहेगा ना तो भी रोक नहीं सकता, इतना आनंद है सागर में। कई लोग कहते भगवान के भजन में बैठ के झूम रहे हैं, जिन्हें राम चरित सुनवे को रसिया, हनुमान जी जब कथा सुनते थे तो ऐसी ऐसी कथाएं आती है, हनुमान जी बैठे बैठे आनंदित भाव विभोर, कभी रोने लगते, कभी हंसने लगते, कभी गाने लगते, कभी नाचने लगते। वो थे महाराज, ये रस ही ऐसा है। और जो नाना प्रश्न, नाना प्रकार के प्रश्न सुने, कहे सुनो, तो उसने कभी राम कथा को, कृष्ण कथा को, कृष्ण तो स्वयं 16108 विवाह किए और हजारों गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, ये रस ही ऐसा है भैया। और मैं तो कहती हूं, जब समय मिले ना, जब भी कोई भजन गाए तो खड़े होके अपनी जगह पे मस्त होकर के नाचिए झूमिए। कई लोग कहते हैं महाराज, लोग ऐसे कहते हैं दीदी, लोग ऐसे कहते हैं, लोगों का हमने ठेका नहीं ले रखा भैया। आप अच्छा करोगे तो भी लोग कहेंगे, बुरा करोगे तो भी लोग कहेंगे, इसलिए वो करिए जो आपका मन चाहता है। दुनियादारी का हमने ठेका नहीं ले रखा, किस किस को समझाओगे। यहाँ लोगों ने राम जी को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि सीता मैया को, सीता मैया को धरती माँ के आंचल में जाना पड़ा। जब यहाँ लोगों ने भगवान तक को नहीं छोड़ा तो हम और आप तो फिर भी इंसान हैं। और जब लोग कहें ना ये वो कर रहा है, ये वो कर रहा है, तो सुनो, कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। इसीलिए मैं तो कहती हूं शार्प माइंड होना चाहिए, और एक होता है ना कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, दैट्स इट। और अपनी जिंदगी प्रभु नाम लेते हुए ऐसे ही गुजर करिए, ऐसे ही बसर करिए। लोगों को समझाओगे तो समझाने में ही रह जाओगे, जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते वो आपके ऊपर प्रश्न उठाएंगे। क्योंकि पत्थर किस पेड़ पर फेंका जाता है, जिस फल के, जिस वृक्ष के ऊपर फल ज्यादा लगे होंगे अक्सर लोग उसी के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। सूखा रूख होगा, सूखा पेड़ होगा तो उसके ऊपर किसी ने पत्थर फेंकते हुए देखा है, बताओ हाँ कि ना। इसीलिए लोगों को जाने दो और सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। मैं तो ये मानती हूँ और मैं तो चाहूंगी आप भी यही माने। और बात जब स्त्री की हो तो स्त्री को तो पग पग पर परीक्षाएं देनी पड़ती है, इसीलिए लोगों का मत सुनो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सीता जी ने वरमाला पहनी, बड़े जो राजा आए थे वो खड़े हो गए और कहने लगे कि हमारे होते हुए ये दो राजकुमार कैसे वरण कर सकते हैं, पकड़ो इन दोनों को, बंधक बना लो। नाना प्रकार की बातें होने लगी, तब राजा जनक कहते हैं, अरे शर्म करो, शर्म करो थोड़ी सी, तुम कहते हो तुम्हारे होते हुए ये दो राजकुमार कैसे लेके जा सकते हैं, तो तुम अपने बल, अपनी वीरता, अपने यश, इन सब के जो गुणगान कर रहे हो ना, ये तो सब धनुष के साथ चले गए, अब तुम्हारी नाक नहीं बची। क्या कह रहे हैं, बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक बिना कहीं संग सिधाई। तुम्हारी नाक, तुम्हारी प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ चली गई, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तब
सीता जी तो महाराज बेबी क्या कह रही थी, कोलाहल सुन सिया सकानी सखी लगाई गई जहरानी। जहां पे सीता जी की माता है वहां पे सीता जी चली गई, वहां पर सीता मैया गई हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जब धनुष टूटा था तो धरती के दिग्गज हिल गए थे, और तब गोस्वामी जी ने आगे बड़ा सुंदर व्याख्यान किया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयो भगु कुल कमल पतंगा, देखत भगुपति में शुकराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कहे कहे निज ना करन सब दंड प्रणाम, मंगल बवनिया मंगल सिया राम जय राम जय जय राम, हो सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अरे भैया सुनाओ अपनी मीठी सी आवाज, बोलो जय श्री राम। अरे आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो जय श्री राम। ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा महाराज, जिनके नाम कोई देख के पृथ्वी हिल जाए, वही महाराज भृगुकुल मणि परशुराम जी अपना फरसा हाथ में लेकर के आए। परशुराम जी की जैसे एंट्री हुई, सब राजा खड़े हो के पिताजी का नाम ले लेके प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। सबने परिचय दिया, विश्वामित्र जी मिले, जनक जी मिले, इत्यादि सब मिल गए, और फिर बताया कि दशरथ जी के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, प्रणाम किया। इतना क्रोध उठा, इतना क्रोध उठा, आवाज जब सुनी थी तब देखा कि धनुष टूटा पड़ा है। देखे चाप खंड मही दारे, धनुष के दो टुकड़े वहीं पड़े देखे हैं, ये किसने तोड़े बताओ जल्दी जल्दी। अब जिन राजाओं ने ना धनुष नहीं तोड़ पाए थे वो कहते ये देखो हमें तो पता था यही होना था, और तोड़ो धनुष को और वरो सीता को, अब भुगतो। हम तो जानते थे परशुराम जी को जैसे ही पता लगेगा अपना फरसा लेके आ जाएंगे। आहा महाराज गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अति ऋषि बोले वचन कठोरा, गुस्से में है परशुराम जी महाराज, कहू जड़ जनक धनुष के तोरा, बेगी दिखाऊ मूढ़ नत आजू, उलटऊ मही जहां लहि तब राजू। अरे मूर्ख जनक बता धनुष किसने तोड़ा, और जहां तक तेरा राज्य है वहीं तक मैं धरती को उल्टा कर दूंगा। राजा जनक इतने डर गए कि मुख से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि जानते हैं परशुराम जी का क्रोध ऐसा कोई बच नहीं सकता।
सब बड़ी चिंता में। तब आगे कहने लगे, हे नाथ, जिसने आपके इस धनुष को तोड़ा है, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, नाथ शंभू धनु भंजनी हारा होई है कि एक दास तुम्हारा। हे नाथ, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो अवश्य ही कोई आपका दास होगा। परशुराम जी बोले, अगर वो मेरा दास है, यानी सेवक है, सेवक का काम होता है सेवा करना, ये सब क्या है? परशुराम जी सब राजाओं को बोले, सुनो, सो बिलकाउ बिहाय समाजा नत मारे जी हहि सब राजा। सब यहां से तुरंत निकलो ना तो सब मारे जाओगे। अब यहां सब शांत हैं, लक्ष्मण जी मुस्कुराए और यहां से शुरू होता है लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद, जो कि रामचरितमानस का एक ऐसा संवाद है कि एक शांत कराता है, एक उस अग्नि में घी का काम करता है, क्रोध बढ़ते जाता है। प्रेम से बोलिए, जय श्री राम। जय श्री राम। ज्यादा बड़ा नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए बहुत सूक्ष्म में सुनाऊंगी। तब गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है परशुराम जी को, लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई कबहु न असिरिस कीने गोसाई। अरे महाराज, हमने तो बचपन में लड़कपन में ऐसे धनुष ना जाने कितने तोड़ दिए, तब तो आपने क्रोध नहीं किया, ऐसा इस धनुष से कौन सा प्रेम है जो आपको इतना प्यार आ रहा है, इतनी ममता उमड़ रही है। जैसे ही लक्ष्मण जी की वाणी सुनी तब कहने लगे, अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं है ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये शिव धनुष है। बोले महाराज, ऐसे तो हम बचपन में खेलते खेलते हजारों धनुष तोड़ते थे। गोस्वामी जी आगे कह रहे हैं, बोले चितई परसु की ओरा रेसठ सुने ही सुआ सुबह उन मोरा। अरे दुष्ट, तू मेरे स्वभाव को भी जानता नहीं। लक्ष्मण जी बोले, अच्छा जी, बालक बोली बधाऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानी मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित छत्री है कुल द्रोही। अरे मूढ़ बालक, तू नहीं जानता मैं कौन हूं। मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु सारा विश्व जानता है, और आप सब जानते हो परशुराम जी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। वो थे परशुराम जी। प्रेम से बोलो, परशुराम जी महाराज की जय। तू मेरे हाथ में देख रहे हैं फरसा, बेटा मान जा। लक्ष्मण बोले, महाराज इसको क्या दिखा रहे हो, ऐसे फरसे हमने बहुत देखे हैं। अच्छा, बेहसी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनि सुमहा भटमानी। महाराज पुनि पुनि मोहि दिखाव पुठारू, चहत उड़ाव
की पहाड़ू बार बार फरसा क्या दिखा रहे हो? अरे महाराज फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो? क्या सोचते हो मैं फरसा देख के डर जाऊंगा? नहीं, सुनत लखन की बचन कठोरा परसु सुधार धरो कर होरा फरसा ले लिया परशुराम जी ने हाथ में और कहने लगे अब ये बालक मरेगा, अब इसको कोई नहीं बचा सकता। लक्ष्मण जी कहते अरे छोड़िए ब्राह्मण समझ के मैं कुछ कह नहीं रहा और कहते कि ये बालक बचने अरे जाइए चलाइए ना फरसे को। ये लक्ष्मण जी महाराज नाथ करहु बालक पर छोड़ सूद दूध मुख कर सिना को जो पे प्रभु प्रभाहु कछु जाना तो की बराबरी करत आयाना मंगल भवनिया मंगल मंगल राम जी बोले हे नाथ बालक समझ के क्षमा कर दो ना, बच्चा है कुछ भी कह देता है। राम जी ने बोला परशुराम जी थोड़े से ठंडे हो गए, यदि ये आपके प्रभाव को जानता तो ऐसे नहीं बोलता। करिए कृपा शिशु सेवक जानी, सेवक जान के कृपा कर दो। तुम समशील धरी मुनि ज्ञानी, आप तो ज्ञानी है मुनि है, ये तो बालक है महाराज क्षमा कर दो। परशुराम जी का क्रोध थोड़ा थोड़ा शांत हुआ, लक्ष्मण जी फिर मुस्कुरा गए और जैसे लक्ष्मण जी मुस्कुराए परशुराम जी का फरसा फिर उठा, बोले अपने भाई को समझाओ ये बार 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 मुस्कुरा रहा है। राम जी ने इशारा किया नहीं, उनको हंसता देखे परशुराम जी का क्रोध पांव से लेके सर तक पराहाई। राम तोर भ्राता बड़ भागी, तेरा भाई बहुत भाग्यशाली बच्चे जा रहे हैं अभी समझा ले इसको। जैसे ही परशुराम जी कहे देखो अगर क्रोध आए तो क्रोध के कारण परशुराम जी के बल की हानि हो रही है, बल घटता जा रहा है। इसीलिए जब क्रोध आता है तो इसमें और किसी का नुकसान नहीं है, किसका नुकसान है? लेकिन महाराज जब टेंपर हाई होता है तो मानो भस्म कर देंगे सामने वाले को, इतना क्रोध करते हैं। इसीलिए किसी का नुकसान नहीं है, खुद का ही नुकसान है। प्रेम से बोलो जय श्री राम जय श्री राम। ये भाव हमें बता रहे हैं कि व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए और जब क्रोध आए तब तो भजना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। लेकिन क्रोध में भगवान का नाम कहाँ याद आता है जब तो एक संत कहते हैं थोड़ा सा ना शीतल जल पी लेना चाहिए, लेकिन तब कुछ याद नहीं आता भैया जब क्रोध आता है। राम जी हाथ जोड़ करके कहते हैं महाराज बहुत वार्ता होती है, लेकिन फिर राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा मेरा सर और आपका फरसा, अगर आपका क्रोध शांत होता है तो ये आपका दास बैठा है, कृपया करके शांत हो जाइए। जैसे राम जी ने कहा राम मात्र लघु नाम हमारा, हे नाथ मेरा नाम राम और
मेरा इतना सा और आपका इतना बड़ा महाराज, कोई बराबरी नहीं है। राम मात्र लघु नाम हमारा, पहले तो नाम की विशेषता बताई, फिर कहा परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। जैसे आपका फरसा बड़ा है, वैसे ही आपका नाम भी बड़ा है। एकदम परशुराम जी के बुद्धि के पट खुल गए। तब परशुराम जी कहते हैं, हे नाथ, अगर मैं सही समझ गया हूं तो एक निवेदन है, एक आपसे विनती है। राम रमापति कर धनु ले हूं, खेचहु मिटे मोर संदेहू, देत चाप आप चल गयउ, परशुराम मन विषमय भयउ, मंगल भवन मंगल तुलसीदास जी ने लिखा, हे नाथ, ये धनुष उठाइए और प्रत्यंचा चढ़ाइए, आप लक्ष्मीपति विष्णु हैं। जैसे ही इतना कहा है तो एकदम से देत चाप आपहु चले गयो, अपने आप चल गए। जो प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा है एकदम से चल गए, क्योंकि एकदम से जब धनुष बाण प्रत्यंचा चढ़ी तब परशुराम जी का विषय में संदेह दूर हुआ है। गोस्वामी जी ने लिखा है, भैया जाना राम प्रवाह तब जाना हृदय न प्रेम अमार। गदगद हो गए उसी क्षण, जब बातचीत चल रही थी, भगवान ने अपना पटका हटाया हल्का सा, और जो भृगुकुल मुनि के जो चरणों के निशान थे, जब भृगु मुनि ने श्रेष्ठ जानकर देवताओं की परीक्षा ली, ब्रह्मा जी की, शंकर जी की, लेकिन बात नहीं बनी, तब विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु शेष की सैया पर सोए हुए थे, लक्ष्मीपति सोए हुए थे, जाकर के भृगु मुनि ने छाती पर प्रहार किया, लात मार दी। विष्णु भगवान खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके बोले, नाथ, शत्रुओं का विनाश करते करते मेरी छाती बज्र की हो गई है, कहीं आपके कोमल चरणों में चोट तो नहीं लगी। तब यहां छाती पर निशान बन गए, और जैसे ही परशुराम जी ने दर्शन किया महाराज, परशुराम जी के नेत्र सजल। जय रघुवंश बनज बन भानु गहन धनुज
संशय दूर हो गया। हाथ जोड़ करके परशुराम जी क्षमा याचना करने लगे। अनुचित बहुत कहे आग क्या क्षमा हो क्षमा मंदिर दो भ्राता। दोनों भाइयों से नाना प्रकार से क्षमा याचना करते हैं। देखिए ये है रामचरितमानस। कहते ना जैसा जैसा आप कथा सुनाते हैं वो आपके आचरण में स्वयं ही आ जाती है। वैसे भी भगवान की कृपा से आज थोड़ी कथा भी गर्म है और थोड़ी सी रात भी गर्म है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जोर से बोलो जय श्री राम। कंजूसी ना करो, जोर से बोलो जय श्री राम। ये बात। परशुराम जी दोनों भाइयों से क्षमा याचना करते हैं। तब सब हर्षित हुए, भाई चलो अब तक ब्याह की बात, आगे शादी होने वाली थी, फेरे वेरे डलने वाले थे और बीच में इन्होंने थोड़ा सा रंग में भंग डाल दिया। आगे फिर वाकायदा अवधपुर के लिए संदेश भेजा जाता है। विश्वामित्र जी ने अयोध्या में लगन का निमंत्रण भेजा। राजा दशरथ जी को पता लगा, सारी सूचना दूत ने दे दी, ऐसे ऐसे धनुष टूट चुका है, वरमाला हो चुकी है, अब विधि विधान से होगा ब्याह। तब राजा दशरथ ने जैसे सुना बड़े खुश हुए, सभी को बता दिया भैया बारात में चलना है, अयोध्या से जनकपुर के लिए बारात आती है। और बारात आई तब राम जी का विधि विधान से विवाह होता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। राम जी का विवाह होगा, हो गया था, कल नहीं हुआ था, हुआ था कि नहीं? लेकिन मुझे लगता है कि बराती भूखे रह गए। तब फिर विधि विधान से विवाह हुआ। जब अवध से बारात आती है, राम जी का विवाह सीता जी के साथ, मानस में ऐसा वर्णन है, जानकी जी की छोटी बहन थी उर्मिला, उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी के साथ, मानस में ही वर्णन है, जनक जी के भाई कुशध्वज जिनकी बेटी है मांडवी श्रुत कीर्ति, भरत जी का विवाह मांडवी के साथ, शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुत कीर्ति के साथ में होता है। प्रेम से बोलो चारों भैयाओं की जय हो। विधि विधान से विवाह हुआ। बारात वहां खूब रुकी है। एक प्रचलन होता है ना, जब भी शादी होती है तो कन्या पक्ष की माताएं गाली देती हैं। ऐसी नहीं जैसे ऐसे लड़ाई में देते हैं, ऐसे नहीं, प्रेम भरी एक होता है ना, प्रेम भरा डिस्कशन होता है। तो राम जी को खूब बढ़िया बढ़िया मीठी 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 खूब गालियां सुनाई हैं। और फिर जनकपुर की नारियां पूछती हैं, और राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दा बबुआ लोग वादेत का है गारी। सुनाएं कि नहीं सुनाएं? सुना दे। चलो तालियों के साथ आनंद लेते हुए गाइएगा। और राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दा बाबुआ लोग वादेत का है गारी, बता दा बाबुआ लोग वादेत का है गारी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दा बाबुआ लोग वादेत का है गारी, बता दा बाबुआ लोग वादेत का है गारी। तालियों की सेवा करते हैं। Thank you.
तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, अरे जरा बताइए ना, एक भाई गोर का है, एक भाई गोर का है, एक का है कारी, बता द बाबुआ लोग बात का है कारी, बता द बाबुआ लोग बात का है कारी। और राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बाबुआ लोग बात का है कारी, बता द बाबुआ लोग बात का है कारी। अच्छा, इस भाव के पीछे भाव देखना, क्या भाव है। कह रही है ये जो बूढ़े बूढ़े बाबा हैं, कैसे कैसे हैं ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, अरे देखने में तो पतले से पर इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, देखो तो सही। ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, बूढ़े बाबा के पकल पकल दाढ़ी। और आगे सुनना, देखन में पातर, देखन में पातर खाए भर भर के थारी, बता दो बाबूआ लोग और राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बाबुआ लोग बाते बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा सुना रही है। अब बारी है बेटे के पिताजी की, और पिताजी को कह रही है सुनिए ना, ए बाबू जरा सुनिए। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, क्या दिमाग लगाया राजा दशरथ जी ने। एक दाम रतवा, एक दाम रत पर तीन तीन नारी, बता द बाबुआ लोग बाते काहे गारी, बता द बाबुआ लोग बाते काहे गारी, बता द बाबुआ लोग बाते काहे गारी, बता द बाबुआ लोग बाते काहे गारी।
कहथिन स्नेह लता मन में विचार कहथिन स्नेह लता मन में विचार हम सब लछीर पाहुन सर्वो खुशाली बता द बबुआ लोगवा देत काहे गाली 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 राम जी से पूछे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गाली 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 मिथिलावासियों ने तो खूब बढ़िया बढ़िया बातें सुनाई अब आप बोलो लंबे लंबे सीधे सीधे हाथ उठा के जय श्री राम आवाज आनी चाहिए और प्रेम से बोलो जय श्री राम यही तो हम चाहते हैं ये कथाएं आपके अंदर इस तरह से जगह बना लें इस तरह आपके हृदय में बैठ जाएं कि फिर आप परवाही ना करें कि कोई क्या बोलेगा क्या कहेगा और फिर जो एक बार चल पड़ा फिर उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं होता प्रेम से बोलो जय श्री राम तो भैया खूब उत्सव मना है मिथिला में विवाह संपन्न हुआ अगली सुबह हुई और नाना प्रकार से जनक जी सबका स्वागत करते हैं सबका ध्यान करते हैं और बहुत दिन तक जनकपुर में बारात रुकी है जब भी दशरथ जी कहते अब हम चलते हैं तभी जनक जी कहते बोले नहीं नहीं महाराज अभी नहीं और रुकिए और दिन में हजारों प्रकार से सेवा करते हैं लेकिन एक रोज जब दशरथ जी ने कहा बोले अब हम जाएंगे तब जनक जी चाहते तो नहीं है लेकिन प्रभु श्री राम समय अनुसार मौका पाकर के मैया से मिलते हैं और मैया को कहते हैं बोले हमें जाना पड़ेगा और जाकर के पिताजी को अपना राज्य पद संभालना है और कारण है तो जाएंगे तब फिर मैया ने अपनी बेटियों को बताया है बेटियां ससुराल में कैसे रहना है जैसे हर माँ अपनी बेटी को संस्कार देती है वैसे मैयाओं ने संस्कार दिए हैं गोस्वामी जी ने लिखा है होए हूँ संतत पिय ही पियारी चिरु अहि बात आशीष हमारी अपने पति को सदैव प्यारी रहो ये हमारा आशीर्वाद है सासु ससुर गुरु सेवा करे अपने सास ससुर गुरु यानी श्रेष्ठों को सेवा करना सबकी पति रुख लखी आयसु अनुसरे पति की चिर आयु के लिए अपनी मांग को सजा कर रखना आपके बिहार में एक बहुत अच्छी बात देखने को मिलती है दुनिया में जगह जगह चीजें बदल गई हैं, लेकिन यहाँ की माताएं अभी भी सिंदूर को एकदम अच्छे से भर के रखती हैं, अपनी मांगों को सजा करके रखती हैं। एक बार इस बात के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए और जगह ये सारे हमारे जो एक सुहागन स्त्री को सारे नियमों का पालन करना चाहिए ये ट्रेडिशन बदल गया है लेकिन यहाँ की माताओं को पता है कि हमारे हमारे नारी धर्म में ये चीजें कितनी महत्वपूर्ण रखती हैं।
और होनी भी चाहिए। तो ये बात मुझे यहाँ की ना बहुत अच्छी लगती है, माताओं की पूरा श्रृंगार करके एकदम अच्छे से रहती है, रहना भी ऐसे ही चाहिए। और कई माताओं को पता ही नहीं लगता। अब ज्यादा कहना उचित नहीं है, बट आप सब बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तब माताओं ने नाना प्रकार से उपदेश दिए हैं। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुवानी। सीता जी को नाना प्रकार के धर्म उपदेश दिए हैं, आशीर्वाद देती हैं कि तुम तुम्हारा सुहाग अखंड बना रहे। यह आशीर्वाद हम आपको दे रही हैं। सीता जी का सर ऊपर किया है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैया अब हम मैया ने जब नाना प्रकार के उपदेश दिए, तो कहते ना हर बेटी के जीवन में वो समय आता है जब बिटिया विदा होती है, लेकिन श्री राम जी ने पहले सीता जी की माता को कहा है, बोले लोग विदाई के बाद दामाद को भूल जाते हैं पर बेटी को नहीं भूलते, इसीलिए आज के बाद आप मुझे दामाद मत समझना, आज के बाद आप मुझे अपना बालक अपना बेटा जैसे समझना। बालक जान करब नित नेहू, अपना बालक जानकर स्नेह कीजिएगा। मैया जैसे ही राम जी की बातें सुनती है हृदय से लगा लिया। करी विनय सिए राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे बलि जाऊं तात सुजान, तुम्हें कहूं विदित गति सबकी अहे। खूब खूब आशीर्वाद दे रही हैं मैयाएं। फिर चार डोलियां तैयार कराई हैं और बेटियों को डोली में बिठाया गया है, और हर मैया जैसे अपनी बेटी को बड़े होने के बाद विदा करती है, धर्म उपदेश देती है, लेकिन सच तो ये है माताओं, बेटी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, कितनी भी दुलारी हो, लेकिन हर माता पिता को उसको विदा करना होता है। ये रीत चली आई है संसार की। कोई बेटी कहती है माँ जैसा रूखा सूखा जैसे भी मुझे मिला मैंने अपना जीवन व्यतीत किया। जिस बेटी को पिताजी कलेजे का टुकड़ा कहते हैं, आज कैसे उसको एक क्षण में पराई कर दिया। एक घर को चहकाने वाली, एक घर में हर दम खनकने वाली बेटी। और कहते ना जब एक पिता अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करता है तो महीनों दो महीनों पहले से ये सारी तैयारियों में लग जाता है, कहीं मेरी बेटी के विवाह में कोई कमी ना रह जाए। और दहेज एक ऐसी कुप्रथा है हमारे समाज में। मान लो किसी पिता के पास इतना धन नहीं है, वो अपनी बेटी का विवाह करने में 10 बार सोचता है, मैं अपनी बेटी का विवाह कैसे करूंगा। लेकिन भैया हर बेटी एक रोज पराई होती है। बेटी माँ से कहती है माँ तेरे घर की कली, तेरी बेटी चली, आज हो के पराई है, आज हो के पराई है माँ, आज हो के पराई।
पिता ने कहते ना मैया के सबसे ज्यादा नजदीक बेटी होती है, लेकिन सच तो यह है एक पिता कभी अपनी भावनाओं को दिखाता नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा एक बेटी अपने पिता के करीब होती है। और जब बेटी की विदाई होती है ना, तो सबसे ज्यादा बेटी की विदाई में एक पिता ही रोता है। आज वही बेटी पराई कही जाएगी, माँ तेरे घर की कली तेरी बेटी चली, तेरे घर की कली तेरी बेटी चली, आज होके पराई है, आज होके पराई है माँ, आज होके पराई है। जब बेटी की विदाई होती है ना, मायके वाले कहते अरे ये तो पराई है, पराया धन है, चंद दिनों में पराई हो जाएगी। ससुराल जाती है तब ससुराल वाले कहते अरे ये तो पराए घर से आई है। आज तक समझ में नहीं आया कि बेटी का असली घर मायका है या ससुराल है, पता ही नहीं। बेटी ने कहा मां पैदा में हुई जिस घर में, पैदा में हुई जिस घर में, मन पेट पाड़े के जाया, मन पेट पाड़ के जाया, तेरे आंगन में खेली हूँ, तेरे आंगन में खेली हूँ, गोदी में तूने खिलाया, गोदी में चुप रहे घर में बोले ना। माँ पूछती है क्या बात हो गई, भाई पूछता है क्या बात हो गई, किसी ने कुछ बोला। छोटी छोटी बातों पर भाई बहन इतना झगड़ते हैं। आज जब बहन की विदाई होती है ना, किसी भी बहन की विदाई होती है, एक भाई कोने में खड़ा कर अलग रोता है, मेरे सुख में सुखी मेरे दुख में दुखी, मेरे सुख में सुखी मेरे दुख में दुखी, काम हर पल तू आई है, आज होके पराई है माँ, आज होके पराई है। Thank you.
घर में बचपन बीतता है, एक क्षण में कह देते बेटी अब तू पराई है, अब ये घर तेरा उतना नहीं है जितना तेरा अगला घर होगा। यहाँ की बात वहां तक नहीं जानी चाहिए और वहां की बात यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। एक क्षण में एक परदेसी के हाथ में हाथ दे दिया, जिसको जानती नहीं जिसको पहचानती नहीं, उसके साथ सारी उम्र तुझे रहना है। बेटी कहती माँ तू तो कहती थी कि तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, पर आज कल तक था ये घर मेरा, कल तक था ये घर मेरा, आज सब कुछ पराया हुआ है, आज सब कुछ पराया हुआ है। क्या मैं तूने नहीं चाही, बस भैया ही प्यारा हुआ है, भैया ही प्यारा हुआ है। मैं पराई बनी आज दुखी में घड़ी, मैं पराई बनी आज दुखी में घड़ी, तूने बेटी रुलाई दे रहे हैं पर चारों तरफ देखा पिताजी कहीं नहीं दिख रहे। पिता एक कोने में खड़ा खड़ा दूर खड़ा पिता रो रहा है। कहते ना एक जो स्त्री होती है उसका हृदय बड़ा निर्मल होता है, पुरुष का हृदय कठोर होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस समय एक बेटी की विदाई होती है कोई भी ऐसा बाप होगा जिसकी आंखों में आंसू ना आए हो, या जब भी बेटी की विदाई होती है तो कोई ऐसी बेटी होगी जिसकी आंखों में आंसू ना हो। पिता दूर खड़े हैं, पास आने की हिम्मत नहीं हो रही, कैसे बेटी को किन हाथों से बड़ा विदा करूं, जिन हाथों से उसको गोद में खिलाया कांधे पर सुलाया हर चीज हर सपने को पूरा किया, आज कैसे कहूं कि वो अपनी नहीं है वो पराई है। बेटी की नजर गई सब दिख रहे पिताजी नहीं दिख रहे। पास आने की हिम्मत नहीं है, पिता दूर खड़े रोते हैं, पिता दूर खड़े रोते हैं। किया दूर जिगर का टुकड़ा, आंखों से आंसू बहते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, आंसू थमते
समते नहीं आंसू खमते नहीं फिर जमते नहीं ये कैसी विदाई है आज हो के तेरे घर की कली तेरी बेटी चली तेरे घर की कली तेरी बेटी चली आज हो की पराई है आज हो की पराई है आज हो की पराई है माँ आज हो की पराई है माँ आज हो की पराई बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। बेटियां ना ऐसी होती है लेकिन सच तो यही है जा बिटिया यहाँ अब से तेरे कोई नहीं कहने को तो माता पिता तेरे हम आज भी हैं पर अब हमसे ज्यादा तेरे सास ससुर होंगे। एक बार प्रेम से कहिए रामचंद्र भगवान जय हो। तो हर माँ बाप अपनी बेटी को यही संस्कार देते हैं लाडो जहां भी रहो खुश रहो। तो विदाई हुई है और कुछ दूरी तक जनक जी छोड़ने के लिए आए हैं। पालकियों में बिठा दिया गया है चारों बहनों को। बार बार जनक जी हाथ जोड़ते हैं। मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं जो आपने मेरी बेटियों को स्वीकार किया है। दशरथ जी ने हाथ जोड़ लिए बोले हमने आपके ऊपर उपकार नहीं किया आज आपने हमारे ऊपर उपकार किया है कि अपनी चार चार बेटियों को हमें सौंप दिया और माताओं सबसे बड़ा दान इस दुनिया में बताया गया है जिसने भैया अपनी कन्या को ही दान में दे दिया भला वो और इससे ज्यादा क्या देगा आज कन्या दान किया है। तो दशरथ जी ने कहा अब आप वापस जाएं। जनक जी बार बार हाथ जोड़ते हैं और फिर वहां से वापस अपने मिथिला में आ गए हैं। प्रेम से बोलिए जानकी मैया की जय। गोस्वामी जी कह रहे हैं आगे सब अयोध्या में आते हैं मैयाओं का बड़ा भव्य स्वागत हुआ है। जो भी बराती इत्यादि थे वो सब अपने अपने घर के लिए चले गए। मैं क्या वर्णन कर सकती हूँ गोस्वामी जी खुद कह रहे हैं मैं भी वर्णन नहीं कर सकता। जिस समय मिथिला की देवियां अवध में प्रवेश कर रही हैं भूपति भवन कोलाहल होई जाई न बरने समो सुख सोई। उस सुखी उस अनुभूति को मैं क्या वर्णन करूं कैसे वर्णन करूं। कौशल्यादि राम महतारी मैयाओं ने इतना स्वागत किया है प्रेम विवश तन दशा बिसारी। उस समय का जो सुख था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा अद्भुत ऐसा इतना आनंदमय समय है
मोद प्रमोद विवस सब माता चल ही न चरण शिथिल भय गाता। शरीर स्थिर हो गए, पैर आगे को बढ़ नहीं रहे, विधि विविध विधान बाजने बाजे मंगल मुदित सुमित्रा साजे। बोली रामचंद्र भगवान की जय। खूब स्वागत किया है मैया ने, मुंह दिखाई की है, मुंह देखा तो जान कीजिए आहा महाराज क्या तेज है मुख पर, कितनी सुंदरता है वर्णन नहीं कर सकते। सब मैयाओं ने कुछ ना कुछ दिया है। कौशल्या जी ने राम जी का हाथ सीता जी के हाथ में सौंप दिया, हे मेरे घर की लक्ष्मी मैं आपको राम को ही मुंह दिखाई में देती। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस तरह ये अवध में मैयाओं का खूब स्वागत हुआ और गोस्वामी जी इसको वर्णित कर रहे हैं। इसके बाद में अब सब आराम से रहते हैं। फिर विश्वामित्र जी यहाँ से अनुमति मांगते हैं, बोले अब मैं राजन चलता हूँ। फिर गादी कुल के चंद्रमा थे, कैसे ऋषि बने इत्यादि ये कथाएं आती हैं, परंतु समय नहीं है तो विस्तार नहीं होगा। यहाँ पर तुलसीदास जी इन लीलाओं के साथ बाल कांड को आहुति दे रहे हैं। निज गिरा पावने करन कारण राम जसो तुलसी कयो रघुवीर चरित अपार बारिधि पार कभी कोने लयो उपबीत प्याह उछाह मंगल सुनीज सादर गावही बैदे ही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही सिए रघुवीर बिबाहु जे सप्रेम गावही सुनही तीन कहूँ सदा मंगलायतन राम जसु। बोलो सिया राम चंद्र भगवान की जय। जो सीता में रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को प्रेम पूर्वक गाएंगे और सुनाएंगे उन्हें आनंद ही आनंद रहेगा, प्रभु आनंद स्वरूप है। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राम। आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं अब महाराज अयोध्या कांड की शुरुआत हो रही है। जब ते राम ब्याहे घर आए जब ते राम ब्याहे घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूदर भारी सुकृत मेघ बरसन सुखारी कवारी रिद सिद्धि संपत्ति सुहाई उमा की अवध अम्बुदि कहु मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुत मंगल भवन अमंगल गाइए सभी मिलकर के सियारा सिया राम जय राम सिया राम जय राम सिया
गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मानो सब सिद्धियां रिद्धि सिद्धि इत्यादि आकर के अवध में विराजमान हो गई। गणेश जी की पत्नियां कौन है? रिद्धि और, जोर से बोलो, रिद्धि और सिद्धि। पर मनुष्य की एक ही और वो भी है सिद्धि। जो हट पे आ गया तो किसी की ना सुने। बड़े प्रकार के आनंद है। अब यहां से कथा थोड़ा हम जल्दी से आगे बढ़ाएंगे। एक दिन राजा दशरथ दरबार लगा करके बैठे हैं, चारों तरफ बड़ी प्रशंसा हो रही है। तब अपने गुरु जी को प्रणाम कर महाराज दशरथ कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं राम की बड़ी प्रशंसा सुनता हूँ। राम लायक हो गए हैं, केवल मित्र ही नहीं शत्रु भी राम जी की प्रशंसा करते हैं। हे महाराज, राम मेरे पुत्र है, मैं प्रशंसा करूं, लायक है, तो आपका मैं सजेशन चाहता हूं, आप क्या सोचते हैं? क्या मुझे अपने पुत्र को गद्दी दे देनी चाहिए? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन धन्य हो, ऐसा भाव आपके मन में आया है तो देर नहीं करनी चाहिए। और कथा भी आती है कि दर्पण मंगाते हैं, दर्पण में राजा दशरथ देखते हैं, मुकुट टेढ़ा था, सीधा किया, कान के पास एक सफेद बाल देखा, मुझे बुढ़ापा आ गया। यानी मानस जी कह रहे हैं, जब सर के बाल सफेद हो तो समझ जाओ कि बुढ़ापे की पहली घंटी बज गई, बुढ़ापा आ गया। लेकिन हम सुधरने वाले नहीं है। लेकिन आजकल तो ना बहुत जल्दी बाल सफेद होते हैं, केमिकल वाले ऑयल आ गए, शैम्पू आ गए, बहुत जल्दी से बाल सफेद हो जाना शुरू होते हैं। लेकिन ऐसा मानना है कि सर के बाल सफेद तो समझो बुढ़ापा आ गया, पहली घंटी बज गई, समझ जाओ। लेकिन मनुष्य बड़ा तेज है, अच्छा अच्छा बालों पे डाई करेंगे, अच्छी अच्छी मेहंदी लगाएंगे, पर भगवान का भजन नहीं करेंगे। फिर एक बाबा कहते हैं, चलो वो भी छोड़ो, आंखों की रोशनी चली जाए तो समझो कि बुढ़ापे की दूसरी घंटी बज गई। लेकिन आंखों पर चश्मा चढ़ेगा पर भजन नहीं किया जाएगा। हाँ, फिर समझो कि भैया मुंह के दांत गिर गए तो समझो फिर तीसरी घंटी बज गई। लेकिन हम बड़े स्मार्ट हैं, बड़ा दिमाग चलता है, मुंह के दांत गिर गए तो डुप्लीकेट दांत लगवा लेंगे पर भगवान का भजन नहीं करेंगे। और डॉक्टर भी कहते हैं हलवा खाना है, हलवा, क्योंकि दांतों का ध्यान रखना है। संत कहते हैं तीन बार घंटी बजी, भैया समझना है तो समझ जाओ, नहीं तो फिर घंटा बजेगा जब यहाँ नहीं और सीधे पहुंच जाओगे भगवान के धाम। तब वशिष्ठ जी बोले, महाराज देर मत करिए, राजन जल्दी करो। दशरथ जी ने कहा, महाराज ये बताइए राज्याभिषेक कब करें? तब गोस्वामी जी कह रहे हैं, सबसे सहमति भी लेते हैं दशरथ जी, ऐसे नहीं कि अकेले अकेले ही फैसला कर दिया। आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए, कहीं जय जीव शीश तन नाए, धूप सुमंगल वचन सुनाए, सुमंत जी को बुलाया और राजाओं ने कहा, हे पंचो, जो पांच ही मत लागे नीका, करहु हरष ही ये राम है टीका, मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु सदशरथ बिहारी, मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु सदशरथ बिहारी। दशरथ जी ने कहा, हे पंचो, अगर आपको उचित लगे तो मैं प्रस्ताव रखता हूँ, कर रहा हूँ
क्या राम को टीका करते राज तिलक का। जैसे ही सुना महाराज सब जय घोष, जय जीव जय जीव जय हो राजन। मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी, अभिगत विरव पर उजन पानी, विनती सचिव करहे कर जोरी, जियहु जगत पति बरस करोरी, मंगल भवन अमान निहारी, प्रभु सुदशरथ देव बिहारी, मंगल भवन अमान निहारी, प्रभु सुदशरथ देव बिहारी। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। सबने कह दिया बहुत बढ़िया महाराज, आपकी इतनी लंबी उम्र हो, इतनी लंबी उम्र हो कि करोड़ों वर्ष आप जिए। तब दशरथ जी ने कहा, कहे भूप मुनिराज कर जोई जोई आयुष हो, राम राज अभिषेक हित बेगी करहु सोई सो। मुनिराज वशिष्ठ जो आज्ञा दे वही वही राम राज्य की तैयारी की जाए। जैसे ही सबने सुना मुनि ने आज्ञा दी और महाराज अब राम जी को राजा बनाने की तैयारियां शुरू हो गई। वो स्वामी जी कह रहे क्या क्या तैयारियां करी है सुनिएगा। हर्ष मुनि से कहे उम्र दुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना, मनि गन मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका, वेद विदित कहि सकल विधाना, कहे रचहु पुर विविध बिताना, मंगल भवन अमान निहारी, मंगल भवन अमान निहारी, सदसुर गुरु बिहारी। बोले श्री रामचंद्र भगवान घोषणा हो गई, राम राजा बनेंगे, तैयारियां शुरू की जाए। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। आहा, राम सिया के अंग फड़कने लगे। पर जब कहते ना अंग शुभ सूचना देते मानो को शुभ होने वाला है। महाराज अब तो देखते ही देखते ये खबर फैल रही है। पहले कैमरे नहीं होते थे, मौखिक प्रचार होता था। तो फिर वशिष्ठ जी राम जी के पास जाते हैं और कहते हैं ऐसे ऐसे तुम्हें कल राजा बनाया जाएगा और तुमको वृत नियम का पालन करना है। राम जी ने सुने, वशिष्ठ जी कहकर आए हैं। इधर महाराज बड़ी बधाइयां बधाइयां आ रही है, सब को सूचना मिली। अब राजा सोचते चलो खुशखबरी देते घर वालों को। और फिर गोस्वामी जी कह रहे हैं, राजा के मन में भाव है कि जाकर के कहके को मैं सूचना करता हूं कि राजा भविष्य की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन कहे जाते हैं ना कि भाई जब जब ज्यादा खुशी होने लगती है तब तब उन खुशियों को अक्सर नजर लग जाती है और शायद ये खुशियों को भी अब नजर लगने वाली है।
कहां पर देखिए समय देखिए, हम कहते हैं ना ये हो गया वो हो गया, थोड़ी सी विपत्ति आई घबरा गए। इतना बड़ा संकट स्वयं भगवान देख रहे हैं, तो छोटी मोटी विपत्तियां आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। आगे सुनिएगा क्या क्या भगवान ने इतनी सारी जो विपत्तियों को सहन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, देवताओं के मन में भाव आया, अगर राम जी राजा बन गए तो जिस कारण प्रभु आए हैं, जिस कारण प्रभु आए हैं वो कारण कैसे पूर्ण होगा। तब देवताओं ने सरस्वती जी के पैर पकड़ लिए और सरस्वती जी को कह रहे हैं, केवल आप ही हमें बचा सकती हैं, आप कुछ करिए। क्या करें? सारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पायली परही। बार बार पैर पर रही हैं। विपत्ति हमारी विलोक बड़े मातु करी सोई आजू, राम चाहे बन राज तजी होई सकल सुर का। देवताओं ने कहा कुछ ऐसा कर दो कि राम राज को छोड़ करके वन के लिए जाएं। सरस्वती जी ने कहा, शर्म नहीं आई ये कहते हुए, ऊंच निवास नीच कर दूती, देख न सकहि पराए विभूति, मंगल भवन अमंगल हारी। ओ द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, बोलो सीताराम भगवान की जय। सरस्वती जी को लगा इनको तो बिल्कुल ऊंच निवास करतूत नीचे। कई लोग होते हैं बड़े घरों में तो रहते हैं, बड़े पद पे तो बैठ जाते हैं, परंतु उनके लक्षण नहीं बदलते, रहेंगे वो कि वो ही। गोस्वामी जी कह रहे हैं, लेकिन फिर सरस्वती जी ने जाना कि राम अवतार जिसलिए हुआ है, फिर प्रभु की आज्ञा भी है इसी में। लेकिन एक भाव और था सरस्वती जी के मन में कि जिसने सरयू का जल पिया हो मैं उसकी बुद्धि को भ्रमित नहीं कर सकती, इसलिए कोई बाहर का पकड़ूं। बाहर की ये मंथरा तो मंथरा को देखा, बोले ये सही है। और आपने देखा होगा मंथरा एक ऐसा पात्र है, आपके घर में सीता नाम मिल जाएगा, लक्ष्मी मिल जाएगा। क्या कभी किसी का नाम सुना है मंथरा? एक ऐसा पात्र है मंथरा, कोई नाम नहीं रखना चाहता, क्योंकि मंथरा के नाम लेते ही एक अलग छवि आ जाती है, ठीक है नहीं? प्रेम से बोलो जय श्री राम। गोस्वामी जी लिख रही हूँ, नाम मंथरा मंद मती चेरी की कई की अजस पिटारी ताही कर गई गिरामति फे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तब सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि को फेर दिया। अब मंथरा अवन में प्रवेश करके क्या देख रही है? दीख मंथरा नगर बनावा, दीख मथुरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। आकर के अवधवासी करे, अरे मंथरा नाच, मंथरा नाच, अरे काहे को नाचू, क्या होने वाला है? अरे तुझे बधाई हो, अरे काहे बात की बधाई, अरे राम राजा बनेंगे, नाच मंथरा नाच।
जैसे ही मंत्रा ने सुना राम राजा बनेंगे, मानो महाराज दुख की कोई सीमा ही नहीं रही। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। राम को रास तिलक होने वाला है, मंथरा के दुख की सीमा नहीं रही। दौड़ी दौड़ी गई केकई जी के पास, और जैसे एक सांप फुंकार भरता है ना, बार बार फुंकार भरता है, वैसे सांस ले रही है, सांस छोड़ रही है। और देख करके मैया केकई को, मैया केकई कहने लगी, अरे मंथरा तुझे क्या हो गया? मंथरा कहने लगी, रहने दो, हम तो दासी, कोई फायदा ही नहीं है हमारा क्या। माँ कह के ये बहुत बड़ा विस्तार है वैसे रामायण में, लेकिन मैं छोटा छोटा कहूंगी। मंत्रा ने नाना प्रकार से बताया और कहते राम जी को रास तिलक होने वाला है। जैसे सुना कैकेयी जी ने राम को रास तिलक होने वाला है, तब माँ कैकेयी को जितनी खुशी हुई है आपको बता नहीं सकते। राम तिलक जो साचे हुकाली, देव मांग मन भावत आली। अगर तेरी बात ये सच है कि राम को रास तिलक होगा, तो जिस वस्तु के ऊपर मंत्रा हाथ रख देगी वो तेरी हो जाएगी, अगर तेरी बात सच है। जैसे ही सुना तब कैकेयी जी कहती है, तुझे नहीं पता, तू नहीं जानती राम मुझे और मैं राम को कितना प्रेम करती हूँ। मंथरा ने सुना, ओहो यहाँ तो प्रेम जाग रहा है। मंथरा को बात हजम नहीं हुई महाराज, वो स्वामी जी कह रहे हैं, मैया कैकेयी ने कहा, अरे मंथरा कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभा। मो पर कर ही स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीत परीक्षा देखी। वैसे तो कौशल्या जी को प्रेम करते हैं, पर मुझे विशेष प्रेम करते हैं, और ये बात मैंने देख रखी है। फिर कैकेयी जी ने कहा, मैं तो ये चाहती हूँ मंत्रा, जो विधि जन्म दे ही कर छो हो राम सिय पुत पुतो राम प्रिय मोरे, तिल ते तिलक छोभ कस तोरे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। कैकेयी बोली, मंथरा जो विधाता जन्म दे तो मैं तो यही मांगूंगी कि रामचंद्र पुत्र और सीता बहु हो। यहां तक कह दिया था कैकेयी जी ने, भरत शपथ तू ही सत्य कहो, परिहरि कपट दुराऊ, हरष समय विस्मऊ करसी, कारण मोहे सुना। तुझे भरत की सौगंध है, सच सच कह दे क्या हुआ था। तब मंथरा बोली, सारी आशाएं एक ही बार कहने पर पूर्ण हो गई, दूसरे तरीके से समझाती हूँ, अब तरीका बदल दिया। और कह रही है, सुनो
मैं तो दासी हूँ, राम को राज मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, मैं तो जब भी दासी रहूंगी। हाँ पर मैं कुरूप हूँ, रानी आपकी दासी हूँ, मैं रानी थोड़ी बन जाऊंगी। तुम्हारा हित मैंने देखा, मुझसे तुम्हारा अनहित नहीं देखा गया, इसलिए मुझसे भूल हो गई। पर क्षमा करो, क्षमा करो, मैं नहीं कहूंगी अब जो सही लगे। जैसी कैकई मैया को स्पर्श किया और कहा आपका हित जानकर मुझे लगा आपको बताना चाहिए, आपकी दासी बन गई हूं। तब रानी को जैसे स्पर्श किया तुरंत बुद्धि बदल गई। रानी बार बार आदर से पूछ रही है, अरे मंथरा बोला, वरना इससे पहले जब मंथरा बार बार बातें कह रही थी तब कैकई ने कहा, अरे घर फोड़ी चुप हो जा, एक नाम दे दिया तो घर फोड़ने वाली है, चुप हो जा। लेकिन जैसे स्पर्श किया कहने लगी, बता दे मंत्रा, सच सच बता दे। आप कहते हो राम को आप प्रिय हैं और राम आपको प्यार करते हैं, आप राम को प्रेम करती हो। वो दिन तो बीत गए महारानी, वो दिन अब नहीं रहे। और मंत्रा कह रही है, रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समाओ फिरे रिप हो ही परीते, समाओ फिरे रिप हो ही परीते, चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात संवारी। वो दिन बीत गए, अब समय बदल गया, अब वैसा नहीं है। कौशल्या को तुम नहीं जानती, बड़ी चतुर है, कि कोई को विश्वास होने लग गया, सत्य कहती है तुम। मंथरा बोली, सत्य कहती हूँ, राम राजा बन गए तो तुम दासी बन जाओगी, भरत जी कारागृह की हवा खाएंगे, फिर करती रहना या दासी बन के रहती रहना। केकई सुता सुनत कटुवानी, कही न सकई कछु सहम सुखानी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। डर गई कैकई, बोली तू सत्य कहती, मेरी दाई आंख नित्य फड़कती है, रोज सुबह सुबह मुझे बड़े बुरे बुरे सपने आते हैं, बता मैं क्या करूं। जैसे तू कहेगी तेरे कहने पर, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, परमकूप तू ये वचन पर, सतपूत पति त्यागी, कहसी मोर दुख देखे बड़े, कस ना करब हितिला। बोले मैं वही करूंगी मंथरा की बातें सुनकर। देखो मंत्रा की बातें सुनने में तो बहुत मीठी है, पर परिणाम इतना ही कठोर होने वाला है। बता मंत्रा क्या करूं, तो सुनिए रानी, जो तू कहेगी तो पूत पति को त्याग सकती हूँ तेरे कहने पर। अब मंत्रा ने चालू कर दिया भड़काना और याद दिला रही है मंत्रा, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, दुई वरदान भूप सन थाती, दुई वरदान भूप सन थाती, माग हुआ जो जुड़ा बहु छाती, सुतही राजु राम है बनवासु,
सब सवती हुलासू मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। मंथरा ने खूब भड़का दिया, दो वरदान आप मांग लेना, अब देर मत करो, सारी पट्टी पड़ा दी को भवन में चली जाओ। रानी ने कहा जो कहे, रानी गई कैकेयी जी को भवन में चली गई। सारे हार श्रृंगार आभूषण फेंक दिए और धरती पर जाकर के लेट गई। दशरथ जी राज सभा में ही राज दरबार में ही घोषणा की थी और सबसे पहले सोच रहे हैं कैकेयी को बताता हूँ और कैकेयी जितना प्रेम करती है सुनकर के आनंदित हो जाएगी। पता चला कैकेयी को भवन में है, राजा को पता लगा, राजा सहम गए और कैकेयी के पास गए हैं। हे रानी क्या रूप बना के रखा है, धरा पर पड़ी है ये हार श्रृंगार, ये सब क्या है? राजा ने जब सुना था ना कोप भवन में गई है, वही पैर डगमगा गए थे। बार बार पूछते हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बैनी, हे गजगामिनी, अपने क्रोध का कारण बताओ। क्रोध आ रहा है। तब दशरथ जी ने कहा हे भामिनी, तेरे मन की इच्छा में पूर्ण कर रहा हूं। अब पूर्ण हो रही है तेरे मन की इच्छा जो तू चाहती थी क्या? तब गोस्वामी जी आगे कह रहे हैं राम ही देव काली चुप राजू सजहि सुलोचनी मंगल साजू राम सियाराम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी ओ प्रभु सदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। कोकल युवराज पद देने वाला है, ये सुनते ही मानो किसी ने फोड़े को छू दिया हो, ऐसी दशा हो गई। देखो एक बात और कह रहे हैं वो स्वामी जी, यद्यपि नीति निपुण नर नारी चरित जल निधि अवगाह। राजा नीति में निपुण है पर नारी चरित्र को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं इतना खुश हूं हे रानी, इतना खुश हूं कि जो चाहिए मांग लो। तब कैकेयी कहती है बस कहते रहते हो, मांग लो मांग लो। गोस्वामी जी कह रहे हैं मांग मांग में कहो मांग मांग में कहो पिए कबहु न देहु न लेहु दीन कहे हूं वरदान दिया ना दिया। आपने दो वरदान देने को कहा था, आज तक वो भी नहीं दिए। राजा मुस्कुराए, अरे तो इस बात के लिए गुस्सा थी, अरे मेरा स्वभाव है मैं भूल जाता हूँ, पर तुमने भी तो याद नहीं दिलाया, इसलिए झूठ मूठ में मुझे दोष मत दो। तुम कहते हो दो तो सुनो,
दुई के चार मांगी मकुले। आज मैं इतना प्रसन्न हूँ रानी, दो नहीं चार वरदान देने के लिए तैयार हूँ। क्यों क्यों? गोस्वामी जी कह रहे हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाओ पर बचन न जाई, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम हो हिक कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। जिस सत्य को मनु जी ने वर्णित किया है, यहाँ प्राण तो जा सकते हैं पर वचन नहीं फिर सकता। मंथरा ने कहा था वरदान तो ले लेना, पर जब तक राम की सौगंध ना खा ले विश्वास मत करना। ते ही पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। श्री राम जी की शपथ मुख से निकला, राघव जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है, इसलिए मांग लो क्या चाहती हो। मानो महाराज जैसे ही कैकेयी ने सुना, तुरंत ढंग बदल गया। मांग ले महाराज, मांग लीजिए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कैकेयी क्या चाहिए। महाराज अपनी छाती को कड़ा कर लेना जो मांगने वाली है। और कह रही है कैकेयी सुनो मैं क्या चाहती हूं। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी एक बर भर तहती का, सिया राम दे दे राम, राम सिया राम दे दे राम। महाराज पहली बार में मैं क्या मांग रही हूँ सुनिएगा। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, नाथ मनोरथ मोरी, राम सिया राम दे दे राम, राम सिया राम दे दे राम। हो तापस विश विशेष उदासी, चौदह बरस राम वनवासी, राम सिया राम दे दे राम, राम सिया राम दे दे राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सदशरथ अजर बिहारी, राम सिया
से बोलो जय श्री राम। महाराज पहला मेरा पुत्र भरत राजगद्दी पर बैठे, दूसरा तपस्वी वेश धारण किए हुए राम 14 वर्ष वन में रहे। रानी क्या कह रही हो? जी महाराज, उस क्षण राजा की दशा मानो पूरा राजमहल घूम रहा है, धरती हिल रही है। जैसे सुना 14 वर्ष राम वनवासी, राजा तुरंत धरा पर गिर गए। रानी हाथ जोड़ता हूं, राम को वनवत भेज भरत को मैं हंसते हंसते राज सिंहासन पर बिठाने के लिए तैयार हूं। दोनों पुत्रों में भेदभाव, महाराज आपने कहा था मांग लो, मैंने मांग लिया, अब दो ना दो आपकी इच्छा। मैंने भरत और राम में कोई अंतर नहीं समझा। रानी मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहूं करिशं करूं साखी। मैं भगवान शंकर को साक्षी मानकर कहता हूं, मैंने राम और लक्ष्मण, राम और भरत में कोई भेद नहीं किया। बहुत कहा है रानी कैकेयी को मत करिए। रानी कैकेयी बोली सुनिए, छाड़ो बचनों की धीर जो धरो, जन अब लाज में करुणा करो। या तो धीरज रखिए नहीं तो छोड़ दीजिए, क्या स्त्रियों की तरह रो रहे हैं। मैं हाथ जोड़ता हूं रानी, मत कर ऐसा। और कह रहे हैं तूने ये वचन मांग करके मेरा खजाना लूट लिया कैकेयी, ये तूने क्या कर दिया कैकेयी। और दशरथ जी कह रहे हैं हे रानी ऐसा मत कर। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ की खजाने को, हे कैकेयी तू तरस जाएगी। तू तरस जाएगी रानी मांग अपनी सजाने को, के कई तूने लूट लिया दशरथ के घराने को, के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। आंख तरसेंगी कजरे को, भाल तरसेगा पिंडिया को, और
बाल तरसेंगे गजरे को, हाथ तरसेंगे कंगन को, बाल तरसेंगे अगर राम वनवास गए तो तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, दशरथ के खजाने को। महाराज आगे कथा विस्तार से है लेकिन समय कम है तो फिर बहुत समझाया है। रानी ने कहा महाराज आपकी इच्छा है मैंने मांग लिया। रात्रि भर राजा धरा पर पड़े रहे उठे नहीं, प्रातः काल भोर में उठ जाते थे लेकिन आज अवध का माहौल वैसा नहीं है। मानो एक अजीब सी बातें दिल को आहत कर रही है। तब प्रातः में सुमंत जी आते हैं और सुमंत जी दशरथ जी की पता लगता है कोप भवन में है, पता लगा धरा पर राजा गिरे हुए हैं। तब सुमंत जी राम जी को बुलवाते हैं। राम जी आते हैं, पिताजी क्या हुआ? तब बता नहीं पा रहे थे राजा दशरथ लेकिन कहा राम कोई भी तुझे कहे पर तू वन को मत जाना। फिर बताया ऐसे ऐसे कैकेयी जी ने मांग की है। कैकेयी ने कहा तापसी वेश धारण करके वन को जाना है। राम जी तो मानो खुश हो गए। देखिए वक्त कितनी जल्दी बदला, कहां राजा होने वाले थे और कहां वनवासी। तब सभी को पता लग गया कि भाई कैकेयी ने ऐसे ऐसे मांग की है। राम जी तैयार हुए। कौशल्या जी को नहीं बता पाए थे राम जी, पर जब कौशल्या जी को पता चला तो स्तब्ध रह गए, कुछ कह नहीं पाई। राम जी की बातों को सिया जी सुन रही थी। प्रभु नाथ जाएंगे तो हम नहीं रह पाएंगे। पास में आई आंखें झुकी हुई है और कहने लगी हे प्राण बल्लभ, अगर आपको लगता है कि आपके 14 वर्ष तक वनों में रहने के बाद जब आप आएंगे तो मैं आपको जीवित मिलूं तो आप छोड़ जाइए। तब राम जी ने जाना ये नहीं रह पाएंगे। लक्ष्मण जी भी बोले भैया हम नहीं रह पाएंगे, आप जाएंगे तो वहीं सरयू के किनारे समाधि ले लेंगे, प्राण त्याग देंगे, या तो ले चलिए। राम लक्ष्मण जी सीता जी, इसके पहले ऋषि पत्नियों ने भी कैकेयी को समझाने की कोशिश की थी लेकिन कैकेयी मानी नहीं थी। तब राम लक्ष्मण सीता जी तीनों अपने वस्त्रों को बदलते हैं और यहाँ से वन की यात्रा प्रारंभ होती है। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। राम जी वन को चले हैं और मैया को कह रहे हैं मैया। अब यहाँ से वन की यात्रा और सारे अवध वासियों और मैया खड़ी हैं, कह रहे हैं माँ लगा लो हाथ सीने से वर्ष 14 को जाते हैं तुम्हारी लाडली सीता साथ में लक्ष्मण जाती है। मैयाओं से आशीर्वाद ले रहे हैं, चरण वंदना कर रहे हैं प्रभु। लक्ष्मण जी सीता जी शांत हैं और वन की यात्रा हो रही है। भी लगा लो मात सीने से, लगा लो मात सीने से बरस 14 को जाते हैं। लगा लो मात सीने तुम्हारी लाडली सी
सीता तुम्हारी लाडली सीता, साथ में लक्ष्मण जाते हैं, लगा लो मात सीने से वर्ष चो। जैसे ही वेश बदला आभूषण उतारे, मैयाओं के दिल की पीड़ा शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। रोती कौशल्या मैया नीर आंखों से बहता है, नीर राजा दशरथ रोते हैं, राजा दशरथ रोते, आज मेरे प्यारे जाते हैं, लगा लो मात सीने से बरस चो। वन में भेजा है, जिन्होंने वन में भेजा है, जिन्होंने वन में भेजा है। माँ ना हाथी है ना घोड़ा है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पे दिल ही जाते हैं, लगा लो मात सीने से बरस चो। भोजन तो करके जाना बेटा। माँ ये भोजन क्यों बनाए हैं, मात के कई को जा देना, मात के कई को जा देना, मात के कई को जा देना। लिखा नहीं किस्मत में भोजन, लिखा नहीं किस्मत में भोजन, राम ऐसे समझाते हैं, लगा लो बात सीने से बरस चो। Thank you.
पिता सबसे विदा ले रहे हैं और अवधवासी रो रहे हैं, अयोध्या रो रही है, प्रभु वन की ओर चले हैं, प्रभु चल पड़े हैं अवध को छोड़ करके वन की ओर प्रभु गमन कर रहे हैं। रो रही अयोध्या की जनता, नीर आँखों से बहता है, नीर आँखों से बहता है, नीर आँखों से बहता है। चले हैं बनखड़ को श्रीरा, चले हैं बनखड़ को श्रीरा, नीर नैना से आते हैं, लगा लो बात सीने से, बरस चौधरी प्रभु चले तो सारे अयोध्या वासी रोने लगे, राम मत जाइए, प्रभु मत जाइए, आज नाथ गए हैं माँ, तुम्हारी लाडली सीता, तुम्हारी साथ में लक्ष्मण जाते हैं, लगा लो बरस चौधे को जाते हैं, बरस चौधे को जाते हैं। बोली रामचंद्र भगवान की। इस तरह प्रभु का वन गमन हुआ है। माताओं बंधुओं, आज की कथा को यही विश्राम देंगे, राम जी के चरणों में यही विश्राम, आज की कथा कल यही इसी समय मिलेंगे। आप सभी खूब अपने परिवार के साथ इस कथा को श्रवण करने के लिए आए। प्रेम से बोली रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण भैया की, जानकी मैया की, रामचरितमानस भगवान की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोली भारत माता की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राजा राम, तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तो बेतन मनवारो, आरती उतारो प्रभु तन्मोरे जाओ, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहार, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, उन्हें चरणों को सदा पखारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती हनुमत की मन भाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा सुख दुर गाए, राम कथा हृदय में उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो।
से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी, वंदन करती दुनिया सारी, उन चरणों में शीश को धारू, हे राजा राम तेरी आरती उतारू, हे राजा राम तेरी आरती उतारू, आरती उतारू तो पेतन मनवारू, हे राजा राम तेरी आरती उतारू, हे राजा राम तेरी आरती उतारू, हे राजा राम तेरी आरती उतारू।